मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मैं ज़ोर से चिल्ला के बोल रही हूँ कि नहीं। क्लास हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं, बहुत ही बकवास गई हैं आज टीचर, और भी बकवास क्लास है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। बरीरा को बोल रही हूँ, आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। ओ बरीरा, मगर कोई मज़े वाली बात नहीं कम की। तो गाइस, मैं बरीरा को आज एक मस्त स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे घर पे पड़ोसी है, पिछले घर वाले पड़ोसी, ठीक है। तो वो आए, उसने जैसे इंटर हुई वो, उन्होंने मेरा नाम लिया कि गुंशा का है, मुझे उससे मिलना है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि वो किसी के सामने नहीं आती ना, तो वो कह रही नहीं, लाइक मुझे मिलना है उससे। फिर उसके बाद हो गई ये बात, वो बैठी बात बात कर ली। अब जाते वक्त वो कह रही गुंशा को जाके बुलाओ। तो सबने बोला कि गुंशा को नहीं अच्छा लगता कोई नॉक करके उसको डिस्टर्ब करे ना, तो कहती नहीं मैं खुद करूँगी। तो वो आई, उसने मेरे रूम पर नॉक किया, ठीक है। और उन्हें जैसे ही खोला, पहले तो मेरी फट गई थी, गए फिर मैंने बोला सलाम वालेकुम, अंदर से मैं चिल्ला रही थी। खैर, मुझे पूछ रही थी ना कि मेरे को जानती है, मेरी भाभी ने मेरे को पहले बता दिया ना कि लाइक पिछले गली वाली औरतें आई थी ना। मैंने बोला हाँ पिछले गली वाली औरतें, फिर उसकी दूसरी बहन आई ना, तो वो कहती मुझे पहचान थी। मैंने बोला हाँ पिछली गली में रहती ना, मुझे नाम नहीं पता तीनों बहनों के, मतलब पता है पर कन्फ्यूज हूँ किसका नाम क्या है। तो खैर, उसने मेरे को बताया मेरी बेटी तुम्हारी वीडियोस देखती है। और उसने मुझे कहा है कि उसे गुंशा से मिलना है। तो मैंने कहा है मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी ना। हाँ मैं खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे वीडियोस लाइक करती है। बट पता है स्केरी क्या था, कि अब मेरे पड़ोसी लोग मेरे से मिलने आएंगे। नहीं लाइक पता नहीं यार, वो आई थी मिलने, बट नाम ले रही थी मेरा, लाइक तुम मेरे से मिलना है, मैं मिल के ही जाऊँगी ऐसा। तो कह रही थी कि वो अपनी बेटी को लाएगी। मैंने बोला भाई जब बेटी आएगी मैं तेरे को। खैर, शाउट आउट टू आयशा, थैंक यू मेरे ब्लॉग देखने के लिए, उनको पसंद करने के लिए, और मैं ऐसे ही बनाते रहूँगी। तो ऑलरेडी सर वो आएगी तो क्या देखो, नहीं नहीं बाहर मिलोगे, मैं मिलूँगी, मैं बिल्कुल अच्छे से मिलती हूँ, सबसे अच्छे से बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ। शी इज़ बट मेरे घर में मत आना वो मेरा सेफ स्पेस है, मेरे को नहीं अच्छा लगता मेरे रूम में कोई और आए, बस ये थॉट मेरे को डिस्टर्ब करता है, मत आना प्लीज़। आज मैं आप लोग को अपनी बुक्स दिखाऊंगी, हमारी बुक्स कैसी होती है ये देखो। ये हमारी, ये मोटी हमारी बुक्स होती हैं। टीचर्स हमें इतना पढ़ाते हैं, हम लोग थोड़ा सा इतने नोट्स बना के पढ़ते हैं, और ये बाकी सारा का सारा पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे भी नहीं पता। आज मैं इन सबको एक टिप दे रही हूँ कि कैसे आप एक खूबसूरत जवान लड़के को, अच्छी पर्सनैलिटी वाला भी, कोई अगर कोई बदसूरत भी है तो इट्स ओके यार, मतलब दिल से सीरत सीरत अच्छी होनी चाहिए, सीरियसली लॉन्ग खराब नहीं करो। तो सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आप जवान लड़का ढूंढ, हाँ मिल गया, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उसके बाद आपके पास जाओगे और चलाओगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, नजरें झुका के, झुका के नजरें ऊपर भी करनी है, ठीक है। अरे बस, और उसको आपने ये बोलना है कि मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह पसंद हो, आप मेरे घर और रिश्ता लेना है, रिश्ता अपना एड्रेस दे दो और बोल दो रिश्ता लेके आ जाओ, मैं आपके साथ हलाल रिश्ते में बांधना चाहती हूँ। आराम आराम रिश्ते में नहीं बांधना रीबा, आराम हराम में, हराम में हम बिलीव नहीं रखते कोई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये सब गलत, सब सिंगल मारो, सब सिंगल मारो, तू हराम से हराम, ये सारे सिंगल हलाल हैं, अगर लड़का पसंद है लड़की पसंद है जाके अप्रोच करो, हलाल करो, ये सारी सिंगल लड़की है, एक बेटी है दूसरी बेटी है, दोनों के लिए रिश्ता चाहिए, मैंने जब से पानी पीना शुरू किया है और मेरे को यूनि में इतनी सुस्ती आ रही है, कैसे जाऊँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, सर भी नहीं है क्लास लेने के लिए, मैं घर जाके करके आ जाऊँ, क्योंकि देर इज नो वे कि मैं आऊँ, मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा। यार मेरे को बताओ ये दिक्कत कैसे सॉल्व करूँ, मैं वॉशरूम नहीं जा सकती यहाँ पे,
तुम लोग कैसे चले जाते हो, क्या सोच के जाते हो मेरे को बताओ प्लीज़, ताकि मैं भी वही थॉट प्रोसेस रख के वॉशरूम चली जाऊँ प्लीज़, मेरे को बहुत ज़रूरत है। मैं अपने कैंपस की लड़कियों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ यार जैसे ही वॉशरूम यूज़ किया करो निकल जाया करो, ये डेरा मत जमाया करो, महफिल मत लगाया करो, क्योंकि हमने भी जाना होता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है जब सारे बंदे खड़े हैं और तुम वॉशरूम जा रहे हो, यू नो। प्लीज़ आप सबको वो स्लाइड वाले सर याद हैं, आज पहली बार उन सर पे हमें प्यार आया है क्योंकि उन्होंने आज पढ़ाया है और हमें बोला है कि वो एंड तक, मतलब मिड के टॉपिक्स हम साथ मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा। बहुत प्यारा खुशी हो रही है। बहुत सामने मेरी एक लड़की है जूनियर, बहुत प्यारा तैयार होकर आती है, बहुत ज़्यादा, मैं लिटरली रोज़ आती हूँ, मेरी आंखें इसको ढूंढती रहती है कहाँ है, बहुत प्यारी, बस इसको देखते ही ना अच्छा लगता है। मैंने इनको एक ट्रिक सिखाई है और ये लोग लिटरली हर बच्चे को पकड़ के वो ट्रिक करा रहे हैं, मासूम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। नहीं दे रहे हो यार, बहुत ही मस्त ट्रिप थी, मैं बोलती किसी पे यार ट्राई पर ट्राई करेंगे इधर सब पे। सबसे पहला बकरा तो ये था हमारा, ऐसा बन गया, इतनी प्यारी लग रही थी बकरा। मैं डाल नहीं सकती वीडियो ये क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं है, बट समझ रहे बहुत ही मज़ा आया हमको। अब हम लोग दूसरे बंदे ढूंढ रहे हैं ताकि हम उनको बलि का बकरा बना सके। इंसान की बॉडी ठीक है, एक वक्त में तीन काम नहीं कर सकती है, एक ही काम करेगी, एक ही फंक्शन करेगा, ठीक है। तो अब तुम एक काम करो, पहले आंखें बंद करो, हाँ खोल दो, अब लिप बाइट करो, अब खोल दो, छोड़ दो, अब हाथों में तुम्हारे चावल है, ठीक है। यूं करके पुराना देख चुके मम्मी कैसी लगी आगे स्वाद। गाइस मैंने नूर को तोड़ दिया है, नूर मोहम्मद को तोड़ दिया है, इसको लगता है कि इसका नाम खुंचा है, याद है मैं इसको बार बार खुंचा खुंचा बोलती रहती थी, मेरे को लगता था ये मेरा नाम लेगा सबसे पहले, बट उल्टा इसको ये लगने लगा कि इसका नाम खुंचा है, और अब जब भी खुंचा बोलो ये रिएक्ट करता है, ये जब भी मेरे बाबा के पास होता है तब मेरे बाबा इसको खुंचा खुंचा बोलते रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ खुंचा पे रिएक्ट करता है। देखो कितना पीसफुली सो रहा है माशाल्लाह। नूर से हाय टू द व्लॉग। खुंचा खुंचा खुंचा। यार बच्चे संभालना बहुत इजी है, एक हाथ से मैं इसको सुला रही हूँ और वॉक भी करते जा रही हूँ और साथ साथ व्लॉग एडिट और बना भी रही हूँ, अभी ये सारे पेरेंट्स मेरे को आके मारेंगे।